लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं ब्रेड पापड़ी चाट, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और थोड़ी सी अलग तरह की चाट है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको चटनी बनाना और चाट बनाना दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में थोड़ी सी हरी धनिया डाला है, दो कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने एक इंच अदरक लिया है, दो से तीन हरी मिर्च डाल देते हैं और पांच से छह लहसुन की कली डाल देते हैं। नमक डालेंगे, मैंने यहाँ आधा चम्मच डाला है, आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसके बाद हम चटनी को पीसेंगे। चटनी को हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। चाट के लिए हरी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ हम मीठी चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ जो हरी चटनी है इसे मैंने निकाल लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। मीठी चटनी के लिए सबसे पहले हम आमचूर का पाउडर लेंगे, तीन बड़े चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसी के साथ मैंने दो गुड़ लिया है। चीनी लेंगे हम छः बड़े चम्मच, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक लेंगे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम रखना है। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें जीरा डाल देते हैं। आमचूर का पाउडर डालेंगे जिसमें मैंने पानी डाला था, तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसी के साथ हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। तो लगभग मैंने दो ग्लास इसमें पानी डाला है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, चीनी डालेंगे, साथ में गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने यहाँ हल्का सा तोड़ लिया है जिससे ये चटनी में आसानी से गल जाए। अब सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं क्योंकि बाउल में मैंगो पाउडर लगा था, तो मैंने पानी डालकर उसे यूज़ कर लिया है। अब हम चटनी को अच्छे से पकाएंगे। तो बीच बीच में हम चटनी को चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर चटनी को अच्छे से पका लेते हैं। चटनी को हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो इसे चलाते रहेंगे और पकाएंगे। तो यहाँ जो चटनी है ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है और बनकर बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो हल्की सी गाढ़ी होगी। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। मीठी चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये हल्की सी ठंडी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। मैंने हरी चटनी भी बना ली है, मीठी चटनी भी बना ली है। अब हमें बनाना है चाट। चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ब्रेड लिया है, इसे मैंने घर पर ही बनाया है, तो इसे हमें काटना है। आप चाहें तो इसे गोल काट सकते हैं, पर इसे हम गोल नहीं काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, कुछ इस तरह। इस ब्रेड को मैंने घर पर ही बनाया है और इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है, तो आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरह हम सभी ब्रेड को काट लेंगे। तो यहाँ मैंने छह ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं और इसी तरह हम ब्रेड को काटेंगे। अगर आप फ्रिज में रखकर ब्रेड को भूल गए हैं और ब्रेड कड़ी हो गई है तो इस चाट में आप उस ब्रेड को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहे तो कड़ी ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम ब्रेड को शैलो फ्राई करेंगे। तो रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं पैन में। गैस की फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम कटे हुए ब्रेड डालेंगे। तो एक बार में हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। आप चाहें तो ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई में तेल बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसीलिए आज हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से लाल कर लेना है।
तो बीच बीच में आप इसे पलटते रहें और दोनों तरफ से इसे अच्छे से लाल कर लें, जिससे ब्रेड बहुत ही क्रंची हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी और जो पापड़ी चाट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेड अच्छे से लाल हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और जो बची हुई ब्रेड है उसे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को शेलो फ्राई करते वक्त आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है, हाई या मीडियम फ्लेम पर आपको बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करना है और एक बार में उतनी ही आप ब्रेड डालें पैन में जितनी वो अच्छे से लाल हो जाए। बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें जिससे ब्रेड जले ना। तो यहाँ ब्रेड अच्छे से शेलो फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे चटपटे आलू। तो यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 4 से 5 और जिसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है कुछ इस तरह। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया लिया है, 1 कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच खड़ा जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई प्याज। अब इन सभी चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैंने यहाँ 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है। अब सभी चीज़ों को मिलाते हुए इसमें उबले हुए आलू डाल देते हैं। एक बार फिर से सभी चीज़ों को चलाएंगे जिससे मसाले आलू पर अच्छे से लग जाएं। आलू को हमें मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट भूनना है, तो बीच बीच में आलू को चलाते रहें और अच्छे से भून लें। चाट के लिए जब भी आप आलू काट रहे हों तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको आलू छोटे पीसेस में ही काटने हैं। तो यहाँ जो आलू है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। तो यहाँ चाट के लिए चटपटे आलू तैयार हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं बाउल में। अब हम चाट बनाएंगे। तो यहाँ मेरी ब्रेड भी बिल्कुल तैयार है, चटपटे आलू भी तैयार हैं, साथ में मैंने जो चटनियाँ बनाई हैं वो भी तैयार है। तो सबसे पहले मैंने मीठी चटनी ली है, इसी के साथ मैंने पतली महीन वाली सेब ली है जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना यूज़ करें। दही लेंगे, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हरी चटनी को मैंने जो बनाया था उसे लिया है। थोड़ा सा हम चाट मसाला लेंगे, लाल मिर्च पाउडर और फिर आ गई मीठी चटनी जो बहुत ही ज़रूरी होता है चाट के लिए। तो इसे आप बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम ब्रेड पापड़ी चाट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 प्लेट लिया है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से ब्रेड के पीसेस। इस चाट को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये चाट बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़ेदार चाट है। आपके घर में ये चाट सबको पसंद आने वाली है। इसमें हम डाल देते हैं भुने हुए चटपटे आलू। चाट बना रहे हों और आलू ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ चटपटे आलू डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम दही डाल देते हैं। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए चाट के लिए। मीठी चटनी डालेंगे अब इसके ऊपर। तो अगर आपको चाट थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चटनी को थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच चटनी डाला है। इसी के साथ हम डाल देते हैं हरी चटनी। हरी चटनी का हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे, तो लगभग 1 चम्मच मैंने हरी चटनी डाला है। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च को ज़्यादा डाल सकते हैं, और तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च को नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चाट मसाला डाल देते हैं। चाट में चाट मसाला ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसमें हम डालने वाले हैं एकदम बारीक सेब जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप बारीक कटी हुई प्याज डाल सकते हैं, कद्दूकस किया हुआ मूली डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो चाट में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ
ब्रेड पापड़ी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बहुत मज़े से ये चाट बन जाती है। तो इस बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और भी इसी तरह रेसिपी देखने के लिए हमारे इन दो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।